मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पर नंदी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित कर रहे कमेटी के लोगों को प्रशासन के द्वारा रोके जाने की क्रांति सेना ने निंदा की। क्रांति सेना के अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने निंदा करते हुए कहा कि कथित हिंदूवादी सरकार के होते हुए स्थानीय प्रशासन कानूनी कार्यवाही का हवाला देकर नंदी की प्रतिमा स्थापित करने से रोक रहा है। प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ललित मोहन शर्मा ने कहा कि अगर शिव मूर्ति कमेटी क्रांति सेना से इस माध्यम कोई सहयोग मांगेगी तो संगठन उस पर विचार कर पूरी निष्ठा के साथ सहयोग करेगा। बताया कि उन्होंने शिव मूर्ति कमेटी से बात करने की कोशिश की गई, जैसे ही कोई बात सामने आएगी तो उसका सहयोग किया जाएगा। इस दौरान क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष लोकेश सैनी, व्यापार उद्योग जिला अध्यक्ष आनंद प्रकाश गोयल समेत काफी लोग मौजूद रहे। दरअसल अभी संज्ञान में आया था कि शिव मूर्ति पर वहाँ की कमेटी द्वारा नंदी जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, और जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जिला प्रशासन है, उसने उस काम को रुकवा दिया और जो एक तरीके से उसको बंद ही करा दिया पूरे काम को। तो ऐसी जानकारी मिली, लेकिन चूंकि उसकी कोई हमें पक्की जानकारी नहीं थी, उसका मौका मुआयने के लिए हमारे पदाधिकारी जिलाध्यक्ष नगराध्यक्ष जिला महासचिव वगैरह गए थे और वहाँ वो घटना सही पाई गई। हमने कमेटी के लोगों से बात करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई। चूँकि मामला मंदिर कमेटी से जुड़ा हुआ है और मंदिर कमेटी, शिवमूर्ति की संचालक कमेटी यदि हमारे पास आती है इस काम में मदद के लिए, चूँकि ये हिंदू विरोधी कृत्य है, प्रदेश में भी देश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके बाद मंदिर स्थल पर मंदिर की सीमा के अंदर नंदी जी की प्रतिमा का विरोध करना, उसका काम उसे स्थापित नहीं होने देना प्रशासन की ढींगा मस्ती को दिखाता है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आदि पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार के साथ साथ शासन और प्रशासन भी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपना रहा है।